इंडिया से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज में हमारा ये जो नया मॉडल हमने रिसेंटली लॉन्च किया है KD 2020, उसके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये हमने एक कॉम्पैक्ट मशीन बनाया है जिसकी चौड़ाई जो है हमने कम कर दी है, जिससे कि आपका छोटे से छोटी जगह पे ये सेट हो सकता है। इसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरीके से कि आप 60, 66, 68 तक इंच तक पैनल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें हमने मेनली यहाँ पे 9 इंच के स्क्रीन्स लगाए हैं, 2 स्क्रीन लगाए हैं कॉमर्शियल स्क्रीन, जिसमें रोटेशन फीचर आता है कि आप व्यू जो है उसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये 2 इस तरह के 9 इंच के हमने स्क्रीन लगाए हुए हैं। मेनली इसमें हमने जो ये HMI PID कंट्रोलर और PLC, वो तीनों मिला के कॉम्बो डिवाइस इसमें रखा हुआ है, जो एक ही डिवाइस से उसका सारा फंक्शन जो है वो रहेगा। दूसरा मेन जो है इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने मल्टीपल प्रोफाइल्स रखे हुए हैं, जिससे कि आप हर एक प्रकार के जो कॉफ है उसको आप बॉन्डिंग कर सकते हैं इजीली। इसमें हमने ये जो है फर्स्ट नंबर का जो है स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, ये यहाँ पे अगर देखें तो 2 नंबर में जो है ओल्ड स्पेशल प्रोफाइल रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी पुराना IC जो है वो भी आप इजीली बॉन्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिग कॉफ, जो सिंगल कॉफ आता है, बड़ी IC जो आती है उसके लिए स्पेशली 3 नंबर का प्रोफाइल रखा हुआ है। 4 नंबर पे ये हमने 4K पैनल के लिए अलग से प्रोफाइल रखा है, क्योंकि उसमें ट्रैक जो है बहुत नज़दीक रहते हैं, तो आप उसको भी इजीली इसमें बॉन्ड कर सकते हैं। और दूसरे भी आप मल्टीपल प्रोफाइल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल प्रोफाइल्स भी इसमें रखे हुए हैं, जिससे कि आपकी कोई भी कॉफ जो है आप इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक बॉन्डिंग करके दिखाता हूँ। पहले ये प्री बॉन्डिंग हमें सेलेक्ट किया है और ये बटन दबाया, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर राइजिंग होगा वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, एकदम पिक जो है उसका मतलब जो राइजिंग है वो एकदम फास्ट होगा और मतलब टारगेट पे आके वो एकदम स्टेबल हो जाएगा। अभी ये 100 डिग्री प्री बॉन्डिंग किया है, अब मैं फाइनल बॉन्डिंग ग्लास बॉन्डिंग जो है सिलेक्ट किया और ये मैंने कमांड दिया। तो पहले जो हेड जो है वो ये ग्लास सिलेक्ट करके ये मैंने कमांड दिया, तो पहले जो है 150 पे हीट होगा हेड जो है वो, फिर हेड नीचे आएगा, ये भी हेड नीचे आया और फिर नया टारगेट जो है उसको 235 का मिलेगा। तो जो टेम्परेचर राइजिंग है वो एकदम फास्ट हो जाएगा और जल्दी से टारगेट पे पहुंच जाएगा, और टारगेट पे पहुंचने के बाद वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, फास्ट मिलना चाहिए, और उसका जिससे कि आपका बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये हमने सारा जो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सारा कुछ इसमें ध्यान रखा हुआ है कि आपको बेस्ट से बेस्ट बॉन्डिंग क्वालिटी मिले। तो आप ज़रूर ये मशीन को आप बिल्कुल लाइक करेंगे, इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसी तरह से हम नए नए मॉडल्स और नए नए टेक्नोलॉजीज जो है वह आपके सामने रखते जाएंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।